ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा कुलूबना बिअनवारिल महब्बतिल अलविय्या व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तदविय्या व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या। नुसल्ली व नुसल्लिमु अलल खातमी लिमा सबक़ वल फातिहि लिमन ग़लक़ वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ वद्दाफ़ि'i जैशातिल अबातील वद्दामिग़ि सौलातिल अदालील। हबीबिका व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अत्याबीन अल अइम्मतिल हुदातिल मासूमीन अहलिल ज़िक्रि व उलिल अम्र व उमराए रब्बिल आलमीन ला सियमा नूरि अलन नूर फी तक़िया अद्दैजूर वल इमामिल मंसूर वस्सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मा ख़ातमिल अइम्मा अल-हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सालल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा बतूल फातिमा बिनते इकबाल हैदर हैदरी साहब और तमाम हाजरीन के मरहुमीन की रूह को इसाफ़ फरमाएं। इस बात में मोहम्मद वाले मोहम्मद मिलजुल करके इससे एक मरहुमा के साले सवाब की ये मंजिल पर तैयार की गई तो मुनासिब है कि खातून के हवाले से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ और उसके अलावा इसी ज़िम्न में जो आजकल तागूत की तरफ से साजिशें चली जा रही हैं, उनको बयान करके उनका जवाब पेश किया जाए। चूँकि खातून के इसाले सवाब की मजलिस है, इसलिए हाफिज़ ने उस आया करीमा को सरनामा सुखन करार दिया कि जिसे आयत तत्हीर कहा जाता है, और अपने बच्चों के लिए, छोटे भाइयों के लिए अर्ज़ कर दूँ कि आयत तत्हीर का सूरा नंबर भी 33वां है और इस आयत का नंबर भी 33वां है। 33वें सूरे की 33वीं आयत 33, जिसमें खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि अल्लाह का इरादा फ़कत इतना है कि ऐ अहल बैत आपसे रिज्स को दूर रखे, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और आपको पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस आयत का पस मंज़र आपको पता है, शान नुज़ूल पता है कि ये आयत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान नाज़िल हुई। कुरान ने बीवी के कसीदे मुतअद्दिद जगहों पर पढ़े, उनमें से एक जगह यह है कि जहां पे कुरान ने बीवी का कसीदा पढ़ा है। देखें, खुदावंद आलम ने इस सिन्फ़े निस्वा को कैसी बुलंदियों से नवाजा है कि जिसको बुलंद किया, अगर इसी सिन्फ़े निस्वा को बुलंद किया तो इतना बुलंद किया कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में कुरान में मुतादिद जगहों के ऊपर आपका कसीदा मिलता है। और इसी के बरखिलाफ कुरान में एक सूरा है, सूरा तहरीम, उसमें आप जाकर के मुलाहजा फरमाएं, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है सूरा तहरीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरदात अज़वाजिक, ऐ मोहम्मद, तुम अपने बीवियों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को हराम क्यों कर देते हो अपने ऊपर कि जो हमने तुम्हारे ऊपर हलाल किए। यहाँ पे हराम और हलाल की जो लफ्ज़ें हैं उसको ज़रा सा मैं बयान कर दूँ। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना हक हासिल है कि वो लोहे महफूज में रद्द बदल कर सके? क्या रसूल अल्लाह को भी इतना हक हासिल है कि अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कर सके? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इतना हक नहीं दिया है कि ऐ मोहम्मद तुम हमारी शरीयत में रद्द बदल करो। तो फिर इस आयत का मतलब क्या हुआ? तो इस आयत का मतलब यह है, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, यहाँ पे जो अहल्ला की लफ्ज है वो मुतलक है। अहल्ला से मुराद यानी कि वो चीजें नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ हलाल हैं, बल्कि इसका दायरा वसी है, जो मुबाह को भी अपने अंदर समेट लेगी, वाजिब को भी अपने अंदर समेट लेगी। अब इसमें वाजिब भी हैं, मुबाह भी हैं, तो नबी वाजिब को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वाजिब हराम खुदावंद आलम की शरीयत में रद्दोबदल नहीं कर सकता है। रसूलुल्लाह, तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी, अहल्ला से मुराद वो चीजें जो मुबाह थी। रसूलुल्लाह के ऊपर कुछ चीजें मुबाह थी कि जिनको अल्लाह के रसूल ने अपने बीवियों की रजायत हासिल करने की गरज से अपने ऊपर हराम कर लिया। तो खुदा ने क्या फरमाया, मोहम्मद नहीं, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, तुम बीवियों की रजायत हासिल करने के लिए मुबाह चीजों को अपने ऊपर हराम मत करो। अब इसकी तफसीर क्या है, क्या चीज थी, शान नुज़ूल क्या था, वो सब मुझे नहीं बयान करना है। अगर आपको शौक है छोटे भाइयों को मेरे, तो इंशाल्लाह जाकर मुराजा करेंगे। बस मैं एक सिलसिले को आगे बढ़ाता चलूं। अब इसी सूरा में कि जिसकी पहली आयत यह थी कि तुम हराम को हलाल मत करो, हलाल को हराम मत करो, मुबाह को अपने ऊपर हराम मत करो। दो तीन कदम आगे बढ़ करके चौथी आयत में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इन ततूबा इल्लल्लाह फकद सगत कुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि व इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीरा। किससे खिताब हो रहा है? ये आयशा और हफ्सा से खिताब हो रहा है। क्या खिताब हो रहा है? कि अगर तुम दोनों ने तौबा कर लिया तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। इसको हम आसान धमकी वाले अल्फाज को इस्तेमाल करें जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। क्या है? तौबा कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वगरना इन ततूबा इल्लल्लाह फकद सगत कुलूबुकुमा। तुम्हारे लिए अच्छा है तौबा कर लो, तो अगर तौबा नहीं करती हो तो हम तो जानते हैं कि तुम्हारा दिल हक से फिर चुका है। फकद सगत कुलूबुकुमा, यहां पे उलमा ने मुफस्सिरीन ने खुद फकरे राजी का कलेमा ये जुमला है, वो कहता है कि यहां पे सगत का माना होता है दिल का हक से भटक जाना, दिल का हक से मुड़ जाना। ऐ मेरे अजीजों, दिल का भटक जाना, हक से दिल का मुड़ जाना, ये खुदावंद किसको कह रहा है? उम्महातुल मोमिनीन को, रसूलुल्लाह की ज़ौजा को। तो अब मुझे यहां पे कहने दीजिए कि जब यही खातून अपने कैरेक्टर और किरदार को बुलंद करती है तो इतना बुलंद करती है कि कभी आया नफ्स का खुदावंद आलम तलावत फरमाता है, कभी आया तत्हीर इनकी शान में नाजिल फरमाता है, लेकिन यही खातून, यही औरत, यही सिल्फे निस्वा जब अपने वकार को पस करती है तो खुदावंद आलम को कहना पड़ता है कि तुम तौबा करो तुम्हारे हक में अच्छा हो, और अगर तुम तौबा नहीं करती तो तुम्हारे दिल हक से फिर चुके हैं, और अगर दिल हक से फिर चुके हैं भाई इंतज़ारा ले, अगर तुम दोनों हमारे रसूल के खिलाफ अगर अदब पैमान बांधती हो और मेरे रसूल के खिलाफ उठ खड़ी होती हो तो यह जान लो क्या चार मदद मैं भेजूंगा अपने हबीब के लिए। फ़इनल्लाह हुवा मौला, अल्लाह उसका मौला है, व जिब्रील, जिब्रील उसके मौला है, व सालिहुल मोमिनीन, सालिहुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के मौला है, वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीरा। अब ये आयत का सियाक़ो सबाक़ हमें बताता है कि घर के हालात नागुफ्ता बेहतर। खुदा मदारा एक नुसरत का वादा कर लेना काफी था, चार चार नुसरतों का वादा कर रहा है। अल्लाह है, जिब्रील है, सालेहुल मोमिनीन है, मलाइका है। ये बता रहा है कि घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और खदशा लाहिक था। मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में बयान किया है कि साजिश रची गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया जाए। जब साजिश यहां तक आ जाए तो यहां पे उन्हीं मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि सालेहुल मोमिनीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वसल्लम। इस्लाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सालेहुल मोमिनीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो यहाँ पे अल्लाह ने जो रसूल को मदद भेजी है वो तमाम के तमाम मुजरदात हैं सिवाय अली के। एक अल्लाह के बाद के जो जिस्मानियत के हामिल हैं या जिनको कह सकते हैं कि जिस्मे खफी के हामिल हैं या जिनको माकूलात कहा जाता है, क्या है? मलाइक, जिब्राइल, और उसके बाद इंसानों में खुदावंद आलम ने अमीरुल मोमिनीन को वादा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आपसे और तमाम आलम इस्लाम से मेरा सवाल यह है कि आलम इस्लाम मुझे कोई एक ऐसा सबूत लाके दिखा दे कि जिससे इन दोनों के ईमान पे पलट जाने की दलील के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। कोई एक दलील लेकर के आओ कि जिससे साबित हो जाए कि दोनों ईमान में वापस आ गईं, दोनों हक की तरफ पलट आईं, हमें आखिर तक हक से इनको जो है हक में दाखिल होने के शवाहिद नहीं नजर आते हैं, हक से जुदा होने के, हक से भागने के शवाहिद नजर आते हैं। आपके पास आपके लिए दलील के तौर पर मैं पेश कर दूं। पहली तो यह आयत है फकत सगत कुलूबुकुमा, कि तुम दोनों के दिल हक से मुनहरिफ हो गए। और आपके लिए दूसरी दलील पेश कर दूं, जंगे जमल। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल हक़्क़ु मअली वल अलिय्यु मअल हक़्क़ अल्लाहुम्मा अदरल हक़्क़ा हैथुमा अलियुन दार, कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अय अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़े। तो अब जंगे जमल में आना बता रहा है कि जिस दिल की कजी की गवाही कुरान ने पहले दे दी थी वो दिल की कजी आज तक बरकरार थी, जो हक की तरफ मायल ना हो पाई। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं मिलती है कोई दलील लाए। देखे उम्महातुल मोमिनीन हैं, सर आंखों के ऊपर एहतराम वाजिब है, सर आंखों के ऊपर। लेकिन अगर किसी में जर्रा बराबर भी ईमान और कुफ्र का अगर राहें अगर मुअय्यन नहीं है, तो हम अपने रिश्तेदारी के बिना पर काफिर को मोमिन और मोमिन को काफिर नहीं कह सकते ना। तो रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन हम ईमान के दायरे में उस वक्त लाके खड़ा करेंगे कि जब हमारे पास कोई दलील मौजूद हो, जो मोहकम दलील हो, और वो कहे कि नहीं ये दोनों जो है थोड़ी देर के लिए हक से फिरी थी, लेकिन बाद में हक में दाखिल हो गई। एक सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यही खातून, एक खातून के जिसके बारे में हुकूकुल अल्लाह ने हुकूक बयान किए हैं, हुकूकुल मर्अति अला रिजाल व हुकूकुल रिजाल अला अल मर्आ, के बीवी के क्या हुकूक हैं मर्द के ऊपर, मर्द के क्या हुकूक हैं बीवी के ऊपर। ये उसूल काफी, उसूल नहीं कहें बल्कि काफी कहें, क्योंकि काफी के तीन बख्श हैं, उसूल, फुरू और रोजा। तो काफी की पांचवी जिल्द यानी फुरू काफी की तीसरी जिल्द, काफी की पांचवी जिल्द यानी फुरूए काफी की तीसरी जिल्द, उसमें मरहूम कुनैनी ने उन तमाम अहादीस को जमा किया है कि जिसमें हुकूक को बयान किए गए हैं। वहां पे उनका मैं निचोड़ और खुलासा आपके सामने पेश करता हूं। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुकूक जो बयान किए गए हैं इम्मा की रिवायात में, यहां पे मैं रुक करके चंद चीजें बयान कर दूं बस। उसमें यह है कि कुछ हुकूक अल्लाह ने और अइम्मा ने मर्दों के लिए बयान किए कि उसको 2 जोड़ा कपड़ा गर्मी का, 2 जोड़ा सर्दी का दे, और हर 3 दिन में एक बार गोश्त दे, गोश्त खाने के लिए, यानी कि वो लगभग महीने में 10 बार गोश्त का इंतजाम करे। उसके अलावा उसके घर का इंतजाम करे। ये सारी की सारी चीजें किसके लिए है कि मर्द अपनी खातून के लिए मुहैया करे। और दूसरी तरफ खवातीन के कुछ हुकूक बयान किए गए हैं कि खवातीन के लिए जरूरी है कि अपने हक अपने शौहर को दे। खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकाल सकती कदम। खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम को नहीं निकाल सकती, और जब तक वो घर में वापस ना आ जाए, हदीस में है कि मलाइका उसके ऊपर लानत करते हैं, मलाइका उसके ऊपर लानत करते हैं। बला और सिंगार वो जो करे वो नामहरम के लिए नहीं कर सकती है। अगर नामहरम के लिए कर रही है तो ये हराम है। अगर वो अपने उसकी नियत पाक है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे माहौल में जा रही है जहां उसकी बेहुरमती होगी, तो भी हराम है। मसलन मेकअप किया उसने, नकाब पहन करके एक ऐसी पार्टी में पहुंची, एक ऐसे घर पहुंची कि जो घर इस्लामिक नहीं है, मुतदय्यन नहीं है, हिजाब की रियायत नहीं करता है। वो वीडियो भी बनाएगा, नामहरम उसके घर में भी दाखिल होंगे। वो लाख बड़ा शिया हो, वो लाख बड़ा इंसान, अच्छा इंसान हो, ठीक है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ से ये भी दावा किया जा सकता है कि वो इंसान बहुत मुत्तकी और परहेजगार है, उसके घर के तमाम बच्चे शरीफ हैं, नामहरमों को नहीं देखा करते हैं। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी हराम का इर्तिकाब यहां पाया जा रहा है कि तुमने मेकअप करके अपने आप को ऐसे मुआजरे में डाला है, भेजा है कि जहां तुम्हारी नामुस की हिफाजत नहीं की जा सकती है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा हुकूक बयान किए गए हैं। एक ने आकर के सवाल किया कि या रसूलुल्लाह ये बताइए कि मर्दों के हुकूक क्या हैं और औरतों के हुकूक क्या हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मर्दों के अगर 100 हुकूक हैं तो उनमें से 1 हक भी खातून का नहीं है। तो उसने कहा कि फिर मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। जब आपने हमें कुछ हाफी नहीं दिया है, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि इस हदीस को बयान करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई भी कल जाकर इस हदीस को पढ़े तो भटक जाए, कोई हक नहीं है। क्या इस्लाम यही है? क्या इस्लाम की जो छवि पेश की गई है, सिल्म का मजहब, मुकाफात का मजहब, कि जो मजहब इतना खूबसूरत है, उसकी छवि यही है कि औरत को डॉल की शक्ल में ताबीर किया जाए, गुड़िया की शक्ल में ताबीर किया जाए? क्या इस्लाम की छवि यही है कि तमाम के तमाम हुकूक मर्दों को देकर के औरतों को एक भी हक ना दिया जाए? नहीं। अगर हमने दूसरे गुरोहों की तरह काफी की तमाम रिवायतों के ऊपर आंखों को बंद करके सरे तस्लीम खम कर दिया, तो फिर इन रिवायत का जवाब देने से हम कासिर हो जाएंगे। हमारे मनाबे में भी हमारे उलमा ने किसी भी मंबा को सही नहीं कहा है कि सारी की सारी रिवायतें सही हैं। बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि सनद बहुत अच्छी है लेकिन उसका मतलब और मफहूम शरीयत के साथ नासाजगार है, उस रिवायत को हम नहीं ले सकते। बहुत ज्यादा रिवायतें ऐसी हैं कि मफहूमन तो उनमें कोई इश्काल नहीं पाया जाता लेकिन सनदन उनमें एतराज पाया जाता है, इश्काल पाया जाता है। तो यहां पे हमें जांच परख करके देखना होगा। इस्लाम ने जिसमें औरतों को खुदावंद आलम ने इतना ज्यादा रिफत अता की कि अगर तुम चाहो तो अपने अखलाक को बुलंद करो, और अखलाक को बुलंद करोगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा कहलाओगी। लेकिन अगर अपने अखलाक को चौपट करती हो तो फिर सूरह तहरीम की तरफ आ जाइए। सूरह तहरीम ने खुदावंद आलम ने जो इस सूरह तहरीम को सजाया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया है। सबसे पहले इरशाद हुआ, लिमा तुहर्रिम, हराम क्यों करते हो? फिर डायरेक्ट खिताब है बीवियों से, क्या इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा, देखो तुम तौबा कर लेती हो तो अच्छा है, नहीं करती हो तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, हमारे हबीब का कुछ नहीं कर पाओगी। हमारे पास नीरो और ताकत मौजूद है जो हमारे हबीब का ख्याल रखेगी, हिफाजत करेगी। आगे बढ़िए, इसी सूरह में आगे बढ़िए। अब खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूह व इम्रअता लूत, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए अल्लाह ने दो ख़वातीन की मिसाल पेश की है, नूह की बीवी जनाबे नूह और जनाबे लूत की बीवी। जनाबे नूह की बीवी, जनाबे लूत की बीवी, ये दोनों क्या थी? दोनों हमारे साले बंदों की बीवियां थी, लेकिन हमारे अब्दे साले की नेकियां उसे नेक ना बना सकी। तो पता चला कि हर शराफत, निस्बत और रिश्तेदारी से हासिल नहीं हो जाया करती है बल्कि इक्तिसाबी हुआ करती है। अगर इंसान में ज़र्फ़े इक्तिसाब पाया जा रहा है तो वो फारसी भी होगा तो उसे अरबी कहा जाएगा, और अगर इंसान के अंदर शराफत और इक्तिसाब की कुव्वत ना पाई जाए तो वो अपना भी होगा तो कुरान लानत पढ़ते हुए नजर आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहतरम। अब यहाँ पे हक और बातिल का मेयार यही है कि हम एक तरफ अहले बैत को रखें, एक तरफ अहले बैत के दुश्मनों को रखें। अल हक माल अली वल अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। क्या फरमाया? ए अल्लाह, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मोड़े। तो अब जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाएगा। ये नहीं फरमाया कि ए मेरे महबूद, अली को उधर मोड़ दे जिधर हक जाए, बल्कि हक को मोड़ा है। अब हक क्या है? आइए ज़ियारत आले यासीन में, ज़ियारत आले यासीन में कि जो मशहूर और मारूफ ज़ियारत है, हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्नल मौत हक व अन्ना नाकिरन व नकीरन हक व नश्र हक वल मिरसाद हक वल मीज़ान हक व सिरात हक व अन्ना नाकिरन व नकीरन हक व अन्नल बास हक। और उसके बाद क्या इशारा फरमाता है? अन्नल वादा वल वाइदा बिहिमा हक, अन्नल जन्नता व नारा हक। अब यहाँ पे देखिए ये रिवायत जो है ये ज़ियारत आले यासीन है जो मरवी है मासूम से। क्या फरमा रहे हैं कि क्या क्या चीज हक है? मौत हक है, सवाल और जवाब हक है, नश्र हक है, हश्र हक है, बास हक है, सिरात हक है, मिजान हक है, जन्नत और जहन्नम हक है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हक है तो हक का हक ये है कि वो अली के पीछे रहे। अब जहां अली होंगे वहां ये सारे के सारे हक होंगे और जहां अली नहीं वहां कुछ भी हो सकता है, हक नहीं हो सकता है। वहां कुछ भी हो वो हक नहीं हो सकता। इस बात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से और फिर इस सूरह के आगे बढ़िए आप। क्या इशात में फरमाते हैं खुदावंद आलम के जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दो बीवियों की मिसाल दे रहा हूँ मैं, लूत और जनाब नूह की बीवी। दोनों अच्छे, दोनों नबी की बीवियां। फ़ख़ानताहुमा, इन दोनों ने इन दोनों नबियों के साथ खयानत की। नौज़ बिल्ला, उनका दामने इफ़्फ़त नापाक और मैला नहीं था। यहाँ पे खयानत से मुराद ये है कि इन दोनों ने अपने नबी के ऊपर ईमान, ये दोनों नहीं लाई, ईमान नहीं था। नबी भी है, शौहर भी है, लेकिन शौहर के ऊपर ईमान नहीं है, नबी के ऊपर ईमान नहीं है। मतलब क्या है? नबी कह रहा है कुछ, ये कर रही है कुछ। नबी ने कहा कि देखो ये राज मैं तुमसे बता रहा हूं, किसी और से जाके नहीं बताना। मगर फिर भी खड़ी हुई जाकर के 10 जगह 10 घरों में लगाया कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। हुआ इसी सूरह की तफसीर में हुआ है। इस सूरह की तफसीर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि खुद मेरा ईमान इस तफसीर के ऊपर नहीं। अगर होता तो मैं पढ़ता। इस तफसीर की तरफ बस इशारा किया मैंने। तो ये दो औरतें चौपट थी, नबी की बीवी होने के बावजूद कुछ सोहबत असर ना कर सकी। अब खुदावंद आलम दो और बीवियों की मिसाल दे रहा है। क्या? वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअता फ़िरऔन, कि जो लोग ईमान ले आए उनके लिए अल्लाह मिसाल देता है किसकी? फिरौन की बीवी। और ये आज के वक्त हमारे दौर में, बल्कि हर दौर के लिए, ये खवातीन के लिए नमूने अमल आयत है। भाई किसी का भी शौहर, आज ये हो सकता है कि मेरी आवाज बहुत दूर तक जाए, किसी का भी शौहर लाख बुरा हो, फिरौन तो नहीं होगा ना। लाख बुरा हो, उसमें लाख जराइम पाए जा रहे हो, फिरौन इतना बुरा तो नहीं होगा ना। अगर तुम चाहती हो कि आसिया बिनते मज़ाहिम के कैरेक्टर तक पहुंच जाओ, उनकी फजीलत तक पहुंच जाओ, तुम्हारा शौहर फिरौन इतना बुरा नहीं होगा। बुरा होगा। तुम अपने आप को अच्छा रखो। खुद बहुत आसिया की कलिमात जो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाई है, जो खुदावंद आलम ने जनाब आसिया के लिए कसीदा पढ़ा है, वो खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर मुंतबक होता रहेगा, खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर मुंतबक होता रहेगा। अपने कैरेक्टर को अच्छा रखो, अपने ईमान की हिफाजत करो। जनाब आसिया ने क्या कहा था? ऐ मेरे माबूद, नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, नज्जिनी मिन फ़िरऔन, मिन फ़िरऔन व अमले। ऐ मेरे माबूद, और उसके पहले एक और दुआ किए, रब्बिबनी ली बैतन फ़िल जन्ना इंदका फ़िल जन्ना। ऐ मेरे माबूद, हमारे लिए जन्नत में घर बना। खुदावंद आलम ने दुआओं को पूरा भी कर लिया है और इसीलिए इस आयत को नाजिल करके बताया कि ऐ मोहम्मद, तुम उम्मतियों को बता दो कि आसिया की दुआ कबूल हो चुकी थी। जब ही आयत नाज़िल हुई है हमारे लिए जन्नत में घर, तो जन्नत में घर ढूंढने वालियों, अपने शौहरों की खिदमत करो, जन्नत खुद ब खुद मिल जाएगी। जन्नत अपने किरदार को जनाब आसिया के नक्श कदम के ऊपर आगे बढ़ाओ। जन्नत ढूंढने की जरूरत नहीं है, जन्नत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। तुम्हारा शौहर लाख बुरा क्यों ना हो, उसके इताअत। हाँ, जहां पे वो अहकाम इलाही की मुखालफत करने का हुक्म दे वहां पे इताअत साबित है। वो कहे मसलन नमाज नहीं पढ़ो, वहां पे आप मुखालफत कर सकती हैं। वो कैसा कहे कि झूठ बोलो, वहां पे आप मुखालफत कर सकती हैं, लेकिन जहां पे उसके अहकाम और फरामीन वाजिब हैं वहां पे डबल वजूब आपके ऊपर आएगा। एक तो अल्लाह ने भी कहा, दूसरे खामन ने भी कहा। अगर अब भी कोई खातून नमाज ना पढ़े अल्लाह तो उसके आजाब में शिद्दत होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहां पे जनाबे नूह, जनाबे फिरौन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जनाबे नूह, जनाबे लूत की बीवियों का तस्करा, फिर फिरौन की बीवी का तस्करा, और एक और खातून है कि जिसका कुरान ने कसीदा पढ़ा है या जनाबे मरियम। तो ये दो बीवियां, दो खवातीन की जो अच्छी थी उनका तस्करा, दो खवातीन जो बुरी थी उनका तस्करा। नतीजा खुदावंद आलम ने बयान नहीं किया है, उन दोनों के हवाले छोड़ दिया कि अब तुम चाहो तो लूत और नूह की बीवी की तरह हो जाओ, और तुम चाहो, तुम्हारे अख्तियार में, तुम चाहो तो फिरौन की बीवी की तरह या मरियम की तरह बन जाओ। एक सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, तो यहाँ पे रास्ते दोनों खुदावंद आलम ने क्लियर रखे हैं, साफ है रास्ते। ईमान का रास्ता ये है, कुफ्र का रास्ता ये। अब यहाँ पे एक और खातून का तस्करा कर दूं मैं। ये तो जात थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि जिनका खुदावंद आलम ने कसीदा पढ़ा और रसूलुल्लाह के अज़वाज की सरजनिश की और उनको सबक सिखाया सूरह तहरीम में कि तुम्हारे लिए दो उसवा पेश कर रहा हूं, अच्छाई का उसवा, बुराई का उसवा, इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। इन्ना हदायना उस्सबील मशाकिर मकफूरा, इख्तियार तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो हिदायत पा लो, चाहो तो कुफ्र इख्तियार कर लो, तुमको किसी ने रोका नहीं है। अब यहाँ पे मैं दौरे हाजिर के ऊपर चंद मारूजात बयान कर दूं और फिर इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब दूंगा। आप हजरत अगर जाग रहे हैं और सुनना चाहते हैं तो मिलजुल करके बावाज़े बुलंद नारे सलवात का सहारा दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखिए बहुत ज्यादा जो है इनहराफात दीन में इजाद किया जा रहा है, और जहां तक मेरी बररसी रही है, हकीर की बररसी रही है, वो सारा का सारा खेल था कि ईरान जो फिलिस्तीन के हिमायत में आवाज उठा रहा है किसी भी तरीके से शियों के जहनों को मुशव्वश करके भटका दिया जाए ताकि फिलिस्तीन की हिमायत हो जाए। वो कैसे? और इस जुर्म को अंजाम देने के लिए इस हद तक गिरे कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म किया गया। मैं साबित करूंगा कैसे जुल्म किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पे देख लीजिए क्या इनहराफ इजाद हुआ कि मिस्ली ला युबायु मिस्ला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये हदीस है वो ज़ईफ है, ठीक है, ये इसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो चौथे इमाम ने बायत की थी वो रिवायत अच्छी है, उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। तो चौथे इमाम को बायत करवा दी गई किसकी? यजीद की। कि चौथे इमाम ने नौजुबिल्ला यजीद की बायत की। ये रिवायत कहाँ है? मैंने काफी के एक नमूने के तौर के ऊपर जो जहां पे हुकूक बयान किए मैंने वहां पे बात को वाज़ेह कर दिया कि रिवायत, तमाम रिवायतों के ऊपर सल्लमना, आंखें बंद करके पट्टी बांध करके सर तस्लीम खत्म कर देना सही नहीं है। अब यहां पे जनाबे आली की फिक्र देखिए, फिक्र कहां की फिक्र है, क्या कहते हैं, मिस्लिल्लाह मिस्ला ज़ईफ है, ठीक है, उसको छोड़ दिया, काफी की रिवायत को ले लिया। क्यों काफी की रिवायत को ले लिया? क्योंकि एक तबका मानता है कि काफी की तमाम रिवायतें सही हैं, एक तबका मानता है काफी की तमाम रिवायतें सही हैं, और पढ़ने वाले ने बातों बातों में सबूत भी पेश किया कि कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस, यानी कि जनाब आली ने अक्ल और इज्मा को छुट्टी में भेज दिया है। उनको अक्ल और इज्मा से कोई सरोकार था ही नहीं, सिर्फ किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत के अलावा हमारे पास अक्ल और इज्मा भी है, बहर का है। अब यहां पे आइए क्या क्या खलफशार उठाए गए। पहला मुद्दा, छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मजलिस थोड़ा सा पुरानी होगी, एतराज तो इश्काल तो नहीं है, पढ़ता रहूं मैं। इस्लाह भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, छठे इमाम ने ज़ियारत आशूरा को इरशाद फरमाया और मेयार बता दिया कि अगर लानत भेजी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ करबला में जो इमाम हुसैन के खिलाफ थे, और अजा भी सिर्फ उन्हें के लिए की जाएगी कि जिनको इमाम शिशुम ने ज़ियारत आशूरा में शामिल किया है। तो चूंकि ज़ियारत आशूरा को उन्होंने अपने सामने फ्रेम के तौर पर रखा और कहा कि यही मेयार है। अब अजा भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होगी कि जिसको इमाम ने बयान किया। यानी क्या कहना चाह रहे हैं वो? कहना ये चाह रहे हैं कि अब कोई भी मजलूम हो, हर मजलूम के ऊपर हम रो नहीं सकते हैं। छठे इमाम बता रहे हैं ज़ियारत आशूरा के जरिए से कि रोना है, अजा है तो सिर्फ और सिर्फ करबला वालों के लिए। और इस ज़ियारत आशूरा के जरिए से क्या पता चलता है कि रोना सिर्फ अहले बैत के ऊपर, करबला वालों के ऊपर, और लानत भी सिर्फ और सिर्फ जो इमाम हुसैन के मुकाबले में खड़ा था 1400 साल पहले वाला यजीद। और इस नारे के पसे पुष्ट कलमा और इस शियार को बुलंद किया गया कि हुसैनियत और यजीदियत जैसी कोई चीज नहीं है। हुसैन 1400 साल पहले थे, यजीद 1400 साल पहले था। हुसैन भी खत्म हो गए, यजीद भी खत्म हो गया। अब ये हुसैनियत और यजीदियत से मुझे नारे से सियासत की बू आती है। ये देखिए इन सब कड़ियों को मिलाइए। मैं कहना चाहूंगा कि तुमने ये एतराज किया कि ज़ियारत आशूरा, भाई ज़ियारत आशूरा में तुमने तो ये देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किस पे लानत की और किसके ऊपर दुरूद भेजा। क्या तुमने इमाम के इस टुकड़े को नहीं पढ़ा? वो आखिरा ताबे लहू अला ज़ालिक, कि जहाँ इमाम लानत फरमा रहे हैं वहां फरमा रहे आखिरा ताबे लहू अला ज़ालिक, कि आखिर तक जो जो इन ज़ालिमीन का इत्तिबा करेगा सब पर लानत। तो इसका मतलब यह हुआ कि हुसैनियत सिर्फ और सिर्फ कल नहीं थी, हुसैनियत आज भी है। यजीदियत सिर्फ कल नहीं थी, यजीदियत आज भी है। हमें आज भी अपने दरमियान में देखना होगा कि हिज़्बुल्लाह कौन से हैं, हिज़्बे शयातीन कौन से हैं, ताकि उन दोनों में जुदाई दे करके अपने आप को उन राह के ऊपर साबित कदम कर सके। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत आशूरा याद है और दलील पेश करते हैं कि छठे इमाम ने उस जमाने में हसनियों ने बहुत ज्यादा क़याम किया, किसी के ऊपर गिरिया नहीं फरमाया। भाई ये अदम गिरिया को उन्होंने दलील बना लिया कि किसी गैर के ऊपर अदा नहीं किया जा सकता है। आप ये बताइए कि छठे इमाम ने अपने ही जमाने में कभी कोई मर जाता था तो वहां जाके गरीबान पकड़ा उसका, क्या कर रहे हो, गिरिया क्यों कर रहे हो? किसी को भी गिरिया फरमाने से रोका कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? आजाद सिर्फ और सिर्फ हुसैन के लिए, तुम किसको गिरिया कर रहे हो? लानत सिर्फ अली और औलाद अली के दुश्मनों के लिए है, ये तुम लानत में जो है किसी और को शामिल क्यों कर रहे हो? किसी को रोका? किसी को नहीं रोका। इस बात में जो मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद मिसली लायु बायु मिसला को ढकेल दिया किसने? सब्ज़ ज़ुबाला में क्या कह के ज़ईफ है, ज़ईफ है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रिवायत को जिसको टारगेट किया था उसने कि चौथे इमाम ने बैत कर ली है, मेरा एतराज यह है कि तुमने कहां से निकाल लिया इस रिवायत से कि चौथे इमाम ने बैत कर ली थी। तुम एक जुमला ला के बताओ कि जिससे साबित हो जाए कि चौथे इमाम ने बैत कर ली थी। पूरी रिवायत मैंने पढ़ी है और आप वो भी उस रिवायत को पढ़िएगा जरूर कि जिसमें कुरैशी जाता है। मुझे पूरी रिवायत नहीं बयान करना है क्योंकि वक्त ज्यादा लगेगा। कुरैशी जाता है और यजीद कहता है कि तुमने जो है तुम मेरे गुलाम हो, एतराफ करते हो या नहीं करते हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। तो उसने कहा कि अगर तुम एतराफ नहीं करोगे मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो कत्ल कर देता है। फिर चौथे इमाम को बुलाता है, कहता है कि कल जो हुआ था तुमको पता है, तो वही मेरे साथ भी करोगे तुम? उसने कहा हाँ वही करूंगा। तो चौथे इमाम ने कहा कि फिर ऐसा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बैत कर लेता हूं। नौजुबिल्लाह, रिवायत में कहीं भी इमाम चहारुम ने नहीं फरमाया गया है, कहीं भी इमाम चहारुम ने नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी बैत करता हूं। बैत की लफ्ज या बे ये आयन बे से जो इसका हुरूफ असली है पूरी रिवायत में कहीं आया ही नहीं है। ये तुमने कहां से निकाल लिया कि चौथे इमाम ने बैत की है? हाँ, एक जुमला है कि जिससे तुमने हो सकता है कि या तो धोखा खाए हो या लोगों को धोखा देना चाहते हो। अना अब्दुन मजबूर या मुकरा, अना अब्दुन मुकरा, इमाम ने फरमाया मैं आब्दे मुकरा हूं। अना अब्दुल मुगरा, मैं अब्दे मुगरा हूँ। अरबी में बहुत ज्यादा गुंजाइश हुआ करती है। इमाम ने ये नहीं फरमाया अना अब्दु कल मुगरा कि मैं तेरा जो है मजबूर गुलाम हूँ। इमाम ने फरमाया अना अब्दुन, मैं अब्द हूँ, गुलाम हूँ। लेकिन तेरा यह कहां से साबित होता है कि मैं तेरा गुलाम हूँ? इस दुनिया में जितने लोग मौजूद है सब अल्लाह के अब्द हैं। इमाम ने तौरिया किया था अना अब्दुल मुगरा। उसके अलावा इस हदीस की सनतन तो ये हदीस सही है, लेकिन मतनन कभी यजीद हज करने के लिए आया ही नहीं। हजी यजीद खिलाफत के बाद कभी भी हज करने के लिए आया ही नहीं। तो सबसे बड़ा एतराज इस रिवायत के ऊपर यह पैदा होता है कि जब आया ही नहीं तो यह हदीस कहां से बन गई? यह हदीस है रोजा काफी में, यह हदीस है, इनकार नहीं है, हदीस है रोजा काफी में, हदीस है। इसकी सनद के बारे में उलमा ने फरमाया है, किसी ने कहा सिका, अल्लामा हिल्ली ने फरमाया हसन, आयतुल्लाह खुई ने कहा सिका। तो सनदन ये रिवायत सही है, लेकिन मतनन इसी पर अल्लामा हिल्ली ने दो एतराज वारिद किया है। पहला ये कि ये यजीद कभी आया ही नहीं हज करने के लिए, जो सबसे बड़ा एतराज है, और यही एतराज पूरी की पूरी रिवायत को बातिल कर देता है। दूसरा एतराज ये है कि अगर मुस्लिम बिन उकबा को तुम तसव्वुर में ला रहे हो कि वो गया होगा, तो वो भी इमाम से ऐसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो इमाम को देखते के साथ अपने आप को इमाम के कदमों में उसने गिरा दिया और इमाम का एहतराम करता था, इज्जत करता था। और दूसरे के मुस्लिम बिन उकबा जो है कुरैशी भी नहीं था। तो ये एतराज यहाँ पे वारिद है। इस बात में मोहम्मद वाले मोहम्मद, और ये पूरा का पूरा खेल खेला गया था कि बस इन चीजों को हुसैन जिंदाबाद या जीने मुर्दाबाद ऐसी चीज कुछ नहीं है। उसके अलावा मिसला ज़ईफ है, चौथे मामले बैत कर ली। एक और रिवायत, अब यहाँ पे शियों का अकीदा ये है कि बैत, यहाँ पे एक चीज मैं बयान कर दूं, बैत का मतलब ये होता है, ये बै से लिया गया है, बै यानी होता है मुबादला तो मालिन बे मालिन, एक माल को दे करके दूसरा माल लेना। यहाँ पे माल ही नहीं तो तुम बैत क्यों कह रहे हो? सबसे पहला एतराज ये, जो माल ही नहीं है, यहाँ पे कोई माल तो का तस्वुर है ही नहीं, तो तुम इसको बैत क्यों कह रहे हो? बिल फर्ज अगर मान भी लें कि बैत अख्द है, क्योंकि उसमें इजाब व कबूल हुआ करता है, बिल फर्ज अगर मान लें कि बैत अख्द है, तो भी ये बैत उस वक्त है कि जहां पे इसका मौजू जायज हो। मौजू जायज हो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह बैत किसी नामौजूरियत को मौजूद नहीं दे सकता है, और वो मौजू वो हो कि जो जायज हो। मसलन खिलाफत, मसलन इमामत, इमामत को बैअत जो है जायज नहीं करार दे सकती है, बल्कि इमामत के लिए नस्ख होना जरूरी है, इमामत के लिए, खिलाफत के लिए अल्लाह का कहना जरूरी है, हदीस का आना जरूरी है। अगर सिर्फ बैअत हो तो बैअत के जरिए से खिलाफत साबित नहीं होगी। तो खिलाफत क्या है? मुबाह नहीं है। खिलाफत का मौजू बजाते खुद जायज मौजू नहीं है कि इंसान उसमें तसर्रुफ करे। खिलाफत का मौजू अल्लाह के लिए, अल्लाह उसमें तसर्रुफ कर सकता है। तो जब ये मौजू जायज, अब ये खिलाफत है बनी उमैया और बनी अब्बास, क्या है खिलाफत? ये जायज है या हराम है? हराम खिलाफत है, ये गासिब हुए हैं। तो जब गासिब हुए हैं तो बैत कैसी? एक सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मुलाजा फरमा रहे हैं आप बिरादर अजीज। तो जब जायज नहीं है मौजूद खिलाफत, जब जायज नहीं है तो बैत कैसी? एक एतराज। दूसरा एतराज के बैत इख्तियारन होनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने भी अपनी जब बैत ली है तो किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की। उनके खिलाफत में बहुत सारे बगैर बैत किए थे, औजार टहल रहे थे, लोगों ने कहा कि बैत ले लीजिए, कहा कि नहीं, जोर जबरदस्ती की नहीं बैत। क्यों? क्योंकि बैत के मफहूम में उलमा ने बयान फरमाया है कि बैत इख्तियारी तौर पर होने चाहिए। अब जैसे ही इजबार आएगा वैसे ही बैत का मौजू मुर्तफा हो जाएगा। तो जब बैत का मौजू मुर्तफा हो गया तो तुम किस मुंह से कह रहे हो कि चौथे इमाम ने बैत कर ली? किस मुंह से कह सकते हैं हम कि चौथे इमाम ने बैत कर ली? अब नतीजा ये निकला कि जहां कहीं भी रिवायतों में बैत की लफ्ज आई है हमें उसकी ताबील करना होगा। तो चौथे इमाम वाली रिवायत में कहीं बैत की लफ्ज थी ही नहीं। एक रिवायत और पढ़ी गई इसी अशर मुहर्रम में, क्या के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ने इरशाद फरमाया के हमारे अइम्मा में कोई भी इमाम ऐसा नहीं था कि जिसके गले में बैत का तोहफ ना हो। बैतन फ्यून के बैत उसके गले पे ना रही हो, खुलाफा की तवागीत की बैत ना रही हो। तो आप यहाँ पे इसकी ताबीर कर सकते हैं, तोजीह पेश कर सकते हैं कि जब हमारा कॉन्सेप्ट शियों का यही है कि मजबूरी में बैत हो ही नहीं सकती है, तो अब बैत की लफ्ज़ अगर कहीं मिल भी जाएगी तो उसकी तोजीह की जाएगी। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि इमाम ने कहाँ फरमाया कि बैतुन, यानी कि ये जो बैत हमने बैत कर ली, इमाम ने फरमाया बैत का तौक है, गले में बैत का तौक है, लेकिन ये बैत हमने की थी, तुम्हारे नजदीक कैसे साबित होगा? क्योंकि इबारत अरबी की इबारत में बहुत ज्यादा गुंजाइशें हुआ करती हैं। बैतुन कानत मफहूमुहा इंदा ज़हने ज़हनेकुम, यहाँ पे इबारत को जो है इस इबारत को मुकद्दर में मानेंगे, यानी कि वो बैत कि जिसका मफहूम तुम्हारे ज़हनों में है उसका तौक हम अइम्मा के गले में हुआ करता था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसकी ताबीर करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बयान किया कि लोगों ने खलफिशात पैदा किया, और इसी जिम्न में फिर हकीर ने सक्सेस और कामयाबी का मकाला लिखा जो इसी ग्रोह को देख करके लिखा, और उसकी चंद बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं कि देखें आज हमारे लिए जरूरी है कि हम हिजबुल्लाह और हिजब शरातीन को ढूंढें, ताकि हिजब शरातीन से अलग होकर के हिजबुल्लाह में अपने आप को शामिल कर सके। मुनाफिकत का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस्तेमाल खर्च पैसा कहाँ कर रहा है, इस्तेमाल पैसा कहाँ लगा रहा है, किस ड्योरी में पैसा खर्च कर रहा है, और उसके मकासद क्या है। मकासद यही है, उनमें से बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। एक मकसद यह है कि अगर ये इस्लाम मुत्तहिद हो गया तो ये सुपर पावर हो जाएगी, तो इनको तोड़ने के लिए जरूरी है कि कुछ शियों में से फित्तीन लोगों को उठाया जाए और कुछ सुन्नियों में से भी फित्तीन लोगों को उठाया जाए, बरखलाया जाए, जो इधर से कीचड़ उठा के उधर फेंके और उधर वाले कीचड़ उठा करके इधर फेंके, ताकि ये शिया सुन्नी का खिलफिशार हमेशा चलता रहे। अगर ये चलता रहेगा तो कभी इस्लामिक ममालिक एकजुट होंगे ही नहीं, जब एकजुट होंगे नहीं तो तेल के कुओं के ऊपर हमारा तसल्लुत रहेगा और हम तेल बेचते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए आलम इस्लाम तसव्वुर करे कि अगर यह तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक एकजुट हो जाएं और मुत्तहिद हो जाएं तो इनको आलमी ताकत बनने से कौन ताकत रोक पाएगी, इनको सुपर पावर बनने से कौन ताकत रोक पाएगी। यही वजह है कि इनको मुंतशिर करने के लिए पैसे फेंके जाते हैं कुछ ग्रोहों के ऊपर, इधर भी फेंके जाते हैं उधर भी फेंके जाते हैं। फिलिस्तीन से जहन को भटकाने के लिए कहीं कहीं पैसे खिलाए जाते हैं। लेकिन अजीजों, आज हम सब की का फरीजा शरीफ फरीजा है कि हम हक को देखें और बातिल को पहचाने, और अगर अमीर बनना है तो मेरा ये खिताब है, आलम इस्लाम से खिताब है, अगर तुमको वाकई अमीर बनना है तो थ्योरी मैं देता हूं, उसके ऊपर अमल करो। वाकई खुदा की कसम खा करके कहता हूं, इस मिंबर रसूल से कसम खा के कहता हूं, अगर अमीर नहीं बने तो आकर के मेरा गिरबान पकड़ लेना और कहना कि मैं अमीर नहीं बन पाया। अगर अमीर बनना है तो चमचागिरी छोड़ो, नाम नेहाद आकाओं से अपने आप को दूर करो। जिसको तुम देख रहे हो कि जिसकी सूरत, जिसकी सीरत सीरत अलवी नहीं है, कि जिसको तुम देख रहे हो इसकी सीरत सीरत जाफरी नहीं है, कि जो अम्मामे पे अम्मामा बदलता है, कबाओं पे कबाए बदलता है, कपड़े बदलता है, जूता बदलता है, नए नए जूते, ये शाहाना जिंदगी, ये सीरत अलवी है या सीरत मुआविया है? ये किसकी सीरत है? ये किस घाट के ऊपर हम चल पड़े हैं? और फिर ऐसे लोगों की चमचागिरी करके हम समझते हैं कि हम मोमिन भी हैं और हम मुसलमान भी हैं। अगर वाकई इस अपने आप को अमीर बनाना है तो चमचागिरी से आजाद हो जाओ। मैं कुछ थ्योरीज बताता हूं, उसके ऊपर अमल करो, अमीर हो जाओगे। अमीर होने की सबसे पहली थ्योरी यह है कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, लौला यकुना नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज। कि अगर ज़ईफ अकीदा वालों के कुफ्र पर जमा हो जाने का खदशा ना होता तो मैं कुफार को इतना ज्यादा सौंप देता कि उनके घर की छतें और जीने चांदी के होते। पता क्या चला? अल्लाह का कुफ्र करो, अगर अमीर बनना है तो अल्लाह का कुफ्र करो। अच्छा, कुफ्र को भी हमने, मैं अभी आगे बयान करूंगा, कुफ्र को भी हमने जाहिरी कुफ्र के ऊपर हमला किया हुआ है। हमने अम्मामे के अंदर छुपे हुए कुफ्र को देखा ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है कि इंसान जाहिरन इस्लाम ले आए और बातिनन खुदावंद आलम की तमाम शरीयतों का खिलवाड़ करे, उन शरीयतों का मजाक उड़ाए। अज़ीज़ान मोहतरम, तो कुफ्र यह है कि अल्लाह, कुफ्र का दो माना, एक जाहिरी माना है कि इंसान जो काफिर होते हैं कि जो इस्लाम के मुकाबले में वो बुरा माना जाता है, दूसरा कुफ्र वो है कि इंसान जो है बातिनन का कुफ्र किया करता है, अल्लाह की शरीयत का इनकार किया करता है। कैसे? अल्लाह के फरामीन का इनकार करके। अल्लाह ने कहा कि माल गस्म मत करो, उसने गस्म किया। अल्लाह ने कहा कि दूसरों के ऊपर जुल्म मत करो, इसने दूसरों के ऊपर जुल्म किया, वगैरह वगैरह। तो अमीर बनने का की पहली थ्योरी कुफ्र इख्तियार करो। दूसरी दलील दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया क्या है? मोमिन के लिए जेल है और काफिरों के लिए क्या है? जन्नत है। दुनिया को जन्नत बनाना है, काफिर हो जाओ। इन दोनों राय क्लियर है, वाजे हैं। अगर अमीर बनना है तो दुनिया को जन्नत बना लो, काफिर हो जाओ, जन्नत बन जाएगी दुनिया। ठीक है, आइम्मा की आप सीरत देखिए। तीसरी दलील सीरत से, आपने अंबिया में जनाब आजम तक खातम और आइम्मा में पहले इमाम से लेकर के आखिरी इमाम और अब तक के जमाने में आज तक आपने दौलत को कभी भी देखा है कि खुदावंद आलम के बंदों के नजदीक रही हो? अल्लाह ने, अगर दौलत में जर्रा बराबर भी अच्छाई होती तो रसूलुल्लाह को छोड़ करके खुदावंद आलम क्या अबू जहल और अबू लहब को देता? अगर दौलत में जर्रा बराबर भी अच्छाई होती तो क्या जनाबे इब्राहिम को छोड़ करके नमरूद को देता? जनाबे मूसा को छोड़ करके फिरौन को देता? क्या अमीर कायनात को छोड़ करके मुआविया को देता? क्या इमाम हुसैन को छोड़ करके यजीद को देता? दौलत में जर्रा बराबर भी अच्छाई नहीं। अगर अच्छाई होती तो खुदावंद आलम अपने महबूब हस्तियों को देता, ना कि अपने दुश्मनों को देता खुदावंद आलम। ये तीसरी दलील। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहां पे एक सवाल ये उठता है कि फिर क्या वजह है कि हर मोमिन, हर मुस्लिम अमीर नहीं होता और हर काफिर फकीर नहीं होता? है एक शुबा है, हर मुस्लिम अमीर क्यों नहीं होता है? अगर मुस्लिम अमीर होना चाहिए और हर काफिर को अमीर होना चाहिए और हर मुस्लिम को फकीर होना चाहिए, तो फिर क्या मैटर है कि हम इसका उल्टा देखते हैं? अब यहाँ पे उस तशरीह को लेकर के आइए कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी इस्लाम का नाम नहीं है, इस्लाम बातिनी इस्लाम का भी नाम है। कि अल्लाह ने कहा है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ के मुस्लिम हो जाओ, वहीं पे नमाज कायम करने का भी हुक्म दिया, जुल्म ना करने का भी हुक्म दिया, हक को खस ना करने का भी हुक्म दिया, तमाम की तमाम शरीयत भेजी। अब अगर कोई इंसान जाहिरन अमामा अबा कबा में है तो हम उसके जाहिर से धोखा ना खाए, बातिन को भी चेक करें, खंगालें कि ये बातिन में मोमिन है या काफिर है। अगर ये मोमिन है तो इसकी जिंदगी मौलाए हैदर करार की तरह होना चाहिए, जनाबे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर कुफ्र होगा तो फिर वही शहाना ठाट बाट होगी, वही मोबाइल के बोर मोबाइल चेंज किए जाएंगे, कपड़े लत्ते चेंज किए जाएंगे, बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजारी जाएगी, करोड़ों करोड़ों के बंगले में जिंदगी गुजारेंगे। बेवाएं भूख से मर रही है, फकीर भूख से मर रहे हैं, लेकिन उसको ना बेवाएं नजर आएंगी, ना फकीर नजर आएगा, उसको सिर्फ अपनी करोड़ों की संपत्ति नजर आएगी। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये मौजू बहुत वसी है, इसके ऊपर बहुत देर तक गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन अभी ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। एक सवाल भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नमाज मगरिब भी करीब है और बस अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ पे देख लीजिए कि खुदावंद आलम ने अपने जितनी महबूब हस्तियां हैं ना, उनको मुश्किल से खुदावंद आलम दुचार करता है। अच्छा, कोई भी हमारा टूर हो, हम उसको कामयाब और अच्छा कब कहते हैं? हम मशहद जाए ज़ियारत के लिए, अच्छा होटल मिल जाए, फेदक का टिकट मिल, भाई फेदक से ट्रेन का टिकट मिल गया था जाने का भी आने का भी, वहाँ 5 स्टार होटल में भी हमारा ठिकाना हो गया था। इस बार इमाम रज़ा ने बहुत अच्छी खातिर तवाज़ो की है ये खाम ख्याली है, ये खाम ख्याली है कि फिदा कब मिल गया तो तुम्हारी ज़ियारत कबूल, 5 स्टार होटल मिल गया तो तुम्हारी ज़ियारत कबूल। ये खाम ख्याली है क्योंकि खुदावंद आलम अपने महबूब हस्तियों को इशरत देता ही नहीं है, अपने महबूब हस्तियों को क्या लोग ये गुमान करते हैं कि कहते रहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। इम्तिहान तो लिया जाएगा, तुम अगर कह रहे हो हम मोमिन है तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तो तमाम इम्तिहान किसके लिए होते हैं? मोमिन के लिए होते हैं। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि हम मशहद गए थे, मेरा सफर फिदक के जरिए से हुआ, वहां पे 5 स्टार होटल में रहे, तो ये हम जैसी फिक्रें कहती हैं कि भाई माँ रही तो इल्ला जमीला, माँ रही तो इल्ला जमीला। लेकिन ये ज़ैनब कुबरा के दिल से जाकर के पूछिए कि उनके बेटे मारे गए, फरमारी माँ रही तो इल्ला जमीला। भूख को देखा, माँ रही तो इल्ला जमीला। प्यास को देखा, माँ रही तो इल्ला जमीला। अरे बीबी आप बताना क्या चाहती है? बीबी कहेगी मैं यही तो हकीकत बयान करना चाहती हूँ ताकि ईमान वाले अपनी मंजिलों को पहचान लें कि खुदावंद आलम का जमाल किसमें है, खुदावंद आलम का गजब किसमें है। हम भूख में जमाल देख रहे हैं, हम प्यास में जमाल देख रहे हैं, हम कत्ल होने में जमाल देख रहे हैं। ये जमाल कौन सा जमाल है? हम ये जमाल, इस जमाल को यूं देख रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा कि हम जो प्यासे रहे, अल्लाह ने हमें इस लायक समझा कि हम भूखे रहे, अल्लाह ने हमें इस लायक समझा कि हमारी गोदियां वीरान की जाएं। अज़ादारों, मुसीबत के चंद फिकरात और फिर खत्म दुआ। ईमान और कुब्र की राहें मुशक्कत है, मोयन है। हमें फैसला करना होगा कि हमें दुनिया आबाद करना है या आखिरत आबाद करना है। लेकिन अगर आखिरत आबाद करना है तो जनाब ज़ैनब की ताबीर को याद रखना, और जब भी मुसीबत नाजिल हो तो मुसीबत से घबराना नहीं, मुसीबत से घबराना नहीं, बल्कि मुसीबत में जनाब ज़ैनब के कलमात को याद रखना, माँ रही तो इल्ला जमीला, और कहना खुदा का शुक्र, ऐ मेरे बाबू तेरा शुक्र कि तूने हमें इस मुसीबत के लायक समझा कि हमें तूने इस आजमाइश में और मुश्किलात में गिरफ्तार किया। ऐ आज़ादारो, जनाब ज़ैनब के दिल से पूछिए कि उन्होंने जमाल को देखा और कहीं भी कोई शिकवा नहीं किया। बीबी के सरों से लताओं को छीना गया, बीबी ने शिकवा नहीं किया। गोद के पाले, अरे गोद के पालों को कत्ल किया गया, कभी शिकवा नहीं किया। हाँ, ये शिकवा कैसे करती? ये सानिया ज़हरा है, ये ज़हरा की लाडली है, और आज चूंकि खातून के साले सवाब की मजलिस है, जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुसीबत के चंद फिकरात और फिर खत्म दुआ। ये ज़हरा की लाडली है कि जिसने माँ से सब्र को लिया है, माँ ने सब्र सिखाया, ऐ बेटा तमाम आलम के ऊपर सब्र करना, मुसीबतों के ऊपर सब्र करना। और इमाम आलिया मकाम से जब वसीयत भी की है तो बीबी ने रिवायत के जुमले हैं, मकादिल के जुमले हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन ने रिवायत की बताती है, अखरज मन काना फिल बैत, अमीरुल मोमिनीन ने घर से सबको बाहर भेज दिया। ऐ हसन हुसैन तुम मस्जिद में चले जाओ, ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम उनको खानदान के रिश्तेदारों के घर भेज दिया। और उसके बाद रिवायत का जुमला है, फजम्मा रासहा बिसदरे, जनाब इमाम आली मकाम ने सैयदा के सर को अपने सीने से लगाया, कहा है बीबी वसीयत फरमाइए। बीबी ने वसीयत की कि अबुल हसन रात में कफन दफन करना, और वसीयत का एक जुमला था, उसी का बिल हुसैन, अरे अबुल हसन, अरे हुसैन का ख्याल रखना, हुसैन का ख्याल रखना। मेरे हुसैन को बहुत ज्यादा प्यास लगा करती है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। इमाम हुसैन की प्यास का इतना ख्याल था कि बीबी ने वसीयत की, अरे अबुल हसन, अरे हुसैन, प्यास लगने के पहले हुसैन को पानी पिला दूं देना। मैं कहूँगा ये बातें बेदारा, अरे करबला के मैदान मबूद हमारी इस मुख्तसर इबादत को कबूल फरमा, हम सबको इबादत की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक़ अता फरमा, हमारे कबीरा और सगीरा, क़लीला और कतीरा में मग़फ़िरत फरमा, मबूद इमाम ज़माना के बज़ौर नज़ीर फरमा, हम सबको मुख़लिस अमान और अंसार में शुमार फरमा, और इस ख़शियात अज़ान का सवाब मरजुमा और तमाम हाज़िरीन के मरहूमीन को इसार फरमा। अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपसे गुजारिश है मकतब जाबरी चैनल अहकाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि ये चैनल आगे बढ़े और हम आप तक हर मसले का हल आपकी खिदमत में पेश करते रहें और तमाम मसाइल फ़िक़ही को आपकी खिदमत में बयान करते रहें। आप सब्सक्राइब करके हमारा ताउन ज़रूर फरमाइए।